नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज, आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का ये वीडियो बजाज फिनसर्व यूज़र्स के लिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ बजाज एनओसी डाउनलोड करने का। दोस्तों अगर आपका जो भी प्रोडक्ट का ईएमआई या फिर आप कोई लोन लिया वगैरह जो भी जिसका भी आप एनओसी डाउनलोड करना चाहते हैं तो ईजिली आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मैं जो है आपको सबसे आसान तरीका जो है बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल से अपने फ़ोन का जो है कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर जो है क्रोम ब्राउज़र का उपयोग कर रहा हूँ। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पर गूगल में आने के बाद आपको सर्च कर लेना है बजाज फिनसर्व लॉगिन। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है फर्स्ट में आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर में आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन के ऊपर में जो है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको अपना इंटर करना है जो आपके बजाज कार्ड में रजिस्टर है, ठीक है। उसके मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, जनरेट ओटीपी के ऊपर में आपको जो है क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओटीपी आपको फिल करना है, आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा 6 डिजिट का, तो वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, मेरे पास आ चुका है। और उसके बाद इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, एग्री एंड लॉगिन के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। तो जैसे हम जो है एग्री एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैं आ गया हूँ अपने जो है बजाज फिनसर्व की वेबसाइट में, लॉगिन हो चुका हूँ इजीली। अब देखिए एनओसी डाउनलोड करना है तो सिंपल सा तरीका आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ई स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी लोन है या फिर जो पे हो गया वो सारा यहाँ पर मतलब शो हो जाएगा, जो चलता रहेगा वो भी और जो मतलब कंप्लीट हो गया वो भी सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। देख सकते हैं शुरू में क्या है, यहाँ पर एग्रीमेंट नंबर दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोन अमाउंट दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर ईएमआई अमाउंट दे रहा है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस दे रहा है, और यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहा है, फिर यहाँ पर रीपेमेंट शेड्यूल, एंड लास्ट में देखिए एनओसी या कहें तो नो ड्यू सर्टिफिकेट। यहाँ के बजाज जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट के नाम से देता है, बाकी अदर जो बैंक है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के नाम से जो देती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जो एक्टिव है, देखिए क्लोज हो गया, देखिए क्लोज एक्टिव क्लोज 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 क्लोज, तो जो क्लोज हो रहा होगा देखिए जैसे कि फर्स्ट वाला क्लोज हो गया तो यहाँ पर देखिए लास्ट में नो ड्यू सर्टिफिकेट के अंदर में ये जो है हाईलाइट है ना। लेकिन वो देखिए जो एक्टिव है सेकंड वाला एक्टिव है तो देखिए हाईलाइट नहीं है, इसके ऊपर टच करेंगे तो ये जो है डाउनलोड भी नहीं होगा। लेकिन अगर जो क्लोज हो गया उसके सामने ये देखिए ये आ गया, जैसे कि फर्स्ट वाला क्लोज हो गया, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये जो है इजीली यहाँ पर जो है खुल गया एक नया पेज। अब क्या करना है, इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर में जो है क्लिक कर देना है। अब ये देखिए ये ऊपर में जो है डाउनलोड हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर दिखाओ नोटिफिकेशन बार में, ये देखिए। अब ये फ़ोन में जाकर सेव कहाँ होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अपना जो फाइल मैनेजर है वो आपको ओपन करना है, एंड यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में, एंड यहाँ पर डाउनलोड के फोल्डर में देख सकते हैं ये देखिए यहाँ पर जो है इजीली आ गया। तो इसी तरह से आसानी से आप जो है एनओसी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से चलता हूँ वहाँ पर क्रोम में, एंड यहाँ से मैं बैक होता हूँ, और ये देखिए इसी तरह से आपको जो जो क्लोज हो गया उन सबका यहीं से जो है डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। आप चाहें तो अकाउंट के स्टेटमेंट भी यहीं डाउनलोड कर सकते हैं, रीपेमेंट शेड्यूल भी। आपको जो एक्टिव जो रहेगा मतलब जो लोन एक्टिव है उसमें आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं देगा, देखिए टच नहीं होगा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो। जो क्लोज हो गया है सिर्फ वही आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों छोटी जानकारी थी आपको, कैसी लगी कमेंट से कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं बजाज फिनसर्व से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मैंने जो है बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसे जाकर आप जो है जरूर देखें। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।